नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। क्या लगता है दोस्तों आप लोग, एनडीटीवी को तो आखिरकार अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर ही लिया, और इससे पहले जो एनडीटीवी पे हुआ था ईडी का रेड, पता नहीं किसके रेड, तो मुझे लगता है कि सरकार का जो पहले कोशिश था कि एनडीटीवी ग्रुप को, चाहे वो एनडीटीवी के रवीश कुमार हो या फिर प्रणव राय हो एनडीटीवी के फाउंडर, उसको डराकर धमकाकर सरकार के चापलूसी में लगाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। और हाल ही में जी न्यूज समूह के टीवी नेटवर्क जी हिंदुस्तान का बंद हो जाना और दो दिन बाद एनडीटीवी के फाउंडर प्रणव राय का इस्तीफा दे देना, ये सब कहाँ इशारा कर रहा है? ये सब आप लोग को नहीं लगता कि ये जो है ये अडानी ग्रुप का मिली भगत है, सरकार का मिली भगत है? एनडीटीवी पे पहले ऐसे सरकार की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश थी, अगर वो कोशिश नाकाम रहा तो सीधा ही अडानी ग्रुप के साथ मिलकर टीवी को खरीद लिया गया और अब प्रणव राय को इस्तीफा देना पड़ा। तो मान के चलिए कि ऑलमोस्ट एनडीटीवी का टेक ओवर हो चुका है, जो कि हमारे भारत का एकलौता है, तो वैसे अभी भी है, बाकी इसका फ्यूचर क्या है वो हमें नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे अब नहीं लगता कि ये टीवी जिस तरह से पहले अपने आप को संभाल कर रखा था, हर तरह की कोशिश करते थे सरकार से लड़ने की, सरकार से सवाल पूछने की, और हम सबको यकीन था कि एक ही सच्चा टीवी नेटवर्क है, वो है एनडीटीवी। शायद फ्यूचर में, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि एनडीटीवी का विलय हो चुका है और अडानी ग्रुप सरकार के साथ मिलकर इस चैनल को टेक ओवर कर चुका है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो प्रणव राय एनडीटीवी ग्रुप को हमेशा हमेशा के लिए याद जरूर रखेंगे कि देश में एक एनडीटीवी नामक न्यूज नेटवर्क हुआ करता था और उसका जो फाउंडर थे प्रणव राय, सच्चाई को हमेशा वो अपने साथ लेकर चलते थे और किसी सरकार का किसी भी तरह के दबाव को वो कुछ नहीं समझते थे और सच्चाई से लड़ते थे, सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा रहते थे, जो था एनडीटीवी जी हिंदुस्तान का बंद हो जाना और प्रणव राय का इस्तीफा देना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है। जो उधर स्टाफ थे जी हिंदुस्तान में, वो मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे करके एनडीटीवी में आना शुरू हो जाएंगे और इन लोग की जो सरकार के प्रति, सरकार के सहानुभूति में इन लोग को टैग लग चुका है गोदी मीडिया का, वो गोदी वाला खेल अब एनडीटीवी पे आप लोग को जल्दी देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है या मेरा एक पर्सनल कल्पना है, शायद ऐसा हो और मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि विदाउट प्लानिंग ये नहीं हुआ है, इसका प्लानिंग स्क्रिप्टिंग बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।